शिवरात्रि हो या कृष्ण जन्माष्टमी, नौ देवी हो या एकादशी, हम सब लोग व्रत तो रहते ही हैं। रात भर में ये साबूदाने को अच्छी तरह से एक दो बार पानी से धोकर भिगो दीजिए। जितना साबूदाना हमने एक कटोरी लिया तो एक कटोरी पानी भरकर उसमें डाल दीजिए। सुबह तक साबूदाने के ये दाने मोती जैसे पूरे खिल जाएंगे और काफ़ी बड़े हो जाएंगे। आलू हमने बॉईल कर लिए और छील लिए हैं। जितना साबूदाना है उतने ही हमने आलू लिए हैं। पेस्ट जो हमारा तैयार है, ये जो हमने घिस लिए हैं, लग रहा है थोड़ा कम, तो दो आलू हमने बचाए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी यूज़ कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक आप अपनी चॉइस के हिसाब से डालें, और भुनी हुई मूंगफली भी पीस कर दरदरी इसमें डाल सकते हैं। हमें पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं ली है। आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो आप कच्ची मूंगफली को भी भून लीजिए और छिलके हटाकर उनको दरदरा कूट लीजिए, या खल्लड़ में या मिक्सी में या चॉपर में भी कर सकते हैं। ये दो आलू भी मैं यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि मेरे को आटा बराबर नहीं लग रहा था इसका जो रेडी किया हमने। आपको इस तरीके से मिक्स करना है कि साबूदाना के दाने टूटने नहीं चाहिए। आप अपने हाथ पर ऑयल या पानी लेकर गोल गोल रोल इसकी टिक्की तैयार कर लें। इस बड़े को जबरदस्त बनाने के लिए आप पहले से ही रेडी कर लें और आप ऑयल को गर्म करने रख दीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद आप इनमें एक एक टिक्की चारों तरफ डाल दीजिए। टिक्की आपकी कढ़ाई के हिसाब से डालें, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालें, नहीं तो चिपक जाएंगी। और कढ़ाई में आप अपने चमचे को भी नहीं रखें, बार 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 इसको हिलाएं भी नहीं, एक तरफ से सिक जाए जब पलटें, क्योंकि हम अगर बीच में चमचे को डाल देंगे तो हमारा चमचे पर ये टूट कर इसी पर चिपक जाएगी। और एक दूसरे से अलग करने में सिकने के बाद भी आसानी रहती है। एक साइड से सिक जाएं जब उनको अलग अलग करना है। सिकने दें आराम से, मीडियम स्लो गैस पर आप इसको सेकें। बहुत तेज़ कढ़ाई भी रखने की ज़रूरत नहीं है, या आप सामने हैं ध्यान से देख सकते हैं तो तेज़ कढ़ाई भी आप रख सकते हैं। देखिए एक साइड से थोड़ा सा सिका हुआ तो हमने इसको पलट लिया है और अलग अलग कर दे रहे हैं। हमने एक कढ़ाई में ये पांच टिक्की डाली हैं। जैसे आलू की टिक्की होती है इसी तरीके से ये साबूदाने की टिक्की बहुत आराम से सिक जाती है। कुरकुरी क्रिस्पी बनाने के लिए आप आराम से सेकें। गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही इनको उतारना है। दो तीन बार उल्ट पुल्ट करना है, परंतु इनको सिकने के बाद ही उतारना है, क्योंकि लाइट सिकी हुई टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती और देखने में भी नहीं अच्छी लगती। देखो कितनी प्यारी बनी है और फूल गई है, और इसके दाने मोतियों की तरह से खिलके आ रहे हैं। इसमें हमने सादा नमक नहीं, सेंधा नमक डाला है, काली मिर्च डाली है। अगर आप सहरोस बना रहे हैं तो लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं, सादा नमक का यूज कर सकते हैं। व्रत में तो हम काली मिर्च और सेंधा नमक ही खाते हैं। इसके साथ फ्रूट्स भी खाएं और हरी चटनी भी खाएं। हरी चटनी में आप काजू डालकर भी चटनी बना सकते हैं और मूंगफली भी डालकर बना सकते हैं। महाराष्ट्र में इनको दही चीनी के साथ खाते हैं, या मैंगो भी डाल देते हैं दही चीनी में और उसमें डिप करके खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इनको कोकोनट चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारे तमिलनाडु में कोकोनट चटनी का बहुत यूज होता है, और बच्चे तो इसको केचप के साथ खाना पसंद करते हैं। आपका चॉइस है, आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे। आप इमली की सौंठ के साथ भी खा सकते हैं और टोमेटो सॉस के साथ भी। आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से एंजॉय करना चाहेंगे। साबूदाना आप रात में भिगोना भूल गए हैं तो दिन में भी 4-5 घंटे के लिए भी भिगो देंगे तो कोई बात नहीं है। नहीं तो अर्जेंट बनाना है तो आप गर्म पानी में भिगो दीजिए। जल्दी से साबूदाना आपका 1 घंटे में भी भीग जाएगा और फूल के डबल हो जाएगा। लीजिए आप साबूदाने के बड़े, बनाइए। और रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे ये टेस्टी टेस्टी बनाकर खाइए। घर वालों को खिलाइए, आप खाइए, बड़े लोगों को, बच्चों को, सबको पेश कीजिए। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। तभी तो मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।